हेलो एवरीबॉडी, कुछ दिनों पहले एक मैडम से मेरी बहस हो रही थी यूट्यूब पे एक कमेंट सेक्शन में। जो ब्रोकर्स वाला मैंने व्यू डाला था उसमें कमेंट था उनका कि व्हाई यू आर सपोर्टिंग द ब्रोकर्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। उनका ये था एक्सपेक्टेशन मुझसे कि मैं इस पर बात करूँ, मैं इसे बताऊँ कि इस ब्रोकर सिस्टम के खिलाफ कुछ करूँ। फिर हमने उनको जवाब भी दिया और आप मुझे लगता है कि आपको भी ये जवाब सुनना चाहिए कि क्या मैं सच में ब्रोकर सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ या ब्रोकर के साथ। मेरा जवाब उनको यही था, सीधा सा जवाब उनको कि आप मुझे बताइए कि आपके पास फिलहाल ब्रोकरेज सिस्टम से दूसरा कोई अल्टरनेटिव है क्या? आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है जो ब्रोकरेज सिस्टम की जगह ले सके? फिलहाल जो एक सिस्टम है हमारे पास उसके थ्रू हमें रूम मिलता है, ये कितना भी एक्सप्लोइटेटिव हो सकता है, ये एक्सप्लोइटेटिव है, इस बात को मैं मानता हूँ, पर हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है? डोर टू डोर जाके हम रूम लेंगे? अगर हम डोर टू डोर जाके रूम लेने की कोशिश करते हैं तो 10 दिन में हम 10 रूम देख पाएंगे, ब्रोकर हमें एक दिन में 10 रूम दिखा सकता है और हमारी चॉइसेस होती है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप कहेंगे कि ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाइए, तो आप मुझे एक ऐप ऐसा बताइए फिलहाल जो इस एरिया में डेडिकेटेड काम कर रहा है और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। OLS की बात कर लीजिए, क्यूकर की बात कर लीजिए, जो टेलीग्राम फेसबुक के जो ग्रुप है उनकी बात कर लीजिए, वो सब लोग ऑनलाइन तब आते हैं जब उनका रूम खाली रह जाता है और फिर सोचते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू इसको भरने की कोशिश किया जाए। ऐसा कोई भी ऐप मुझे बता दीजिए जिसमें आपको हाथों रूम मिल जाएगा और लोग मतलब कि ब्रोकर सिस्टम से ज़्यादा इस सिस्टम से बिलीव करते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप ऐप बनाइए, मैं आपके ऐप का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करूंगा। यहाँ से आपके ऐप के कम से कम है तो 5,000 मेंबर जो है यहाँ से मैं भेज दूंगा, लोग डाउनलोड करेंगे आपके ऐप को। आपने एक ऐप बना दिया, लोगों ने उसे डाउनलोड कर दिया, फिर आपके पास कमरे कहाँ से आएंगे ये बताइए? क्या लैंडलॉर्ड आपको कमरे देगा? और देगा तो किस रेट में देगा सर, बताइए? उसकी तो चॉइस ही होगी ना, वो बोलेगा कि मैं इस कमरे के 14,000-15,000 लूँगा। अगर आप कहेंगे नहीं इतना नहीं, 10,000 में करिए, हमने ऐप बनाया है, हम वो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से काम करते हैं, तो सामने दूसरी तरफ ब्रोकर खड़ा है वो जाके बोलेगा कि अरे सर हम आपको 15,000 दिला देंगे, जाहिर सी बात है वो जाएगा। उस जगह अगर आपका खुद का घर होगा ना तो आप भी ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी वाली बात अभी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, आप भी उस वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आप लेंगे, कोशिश करेंगे लेने की। और प्रॉफिट तो वैसे कॉल मार्क्स तो यही कहते थे कि प्रॉफिट तो हमेशा एक्सप्लोइटेशन से ही आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सप्लोइटेशन, मजदूर का जो एक्सप्लोइटेशन होता है उसी से जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो प्रॉफिट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग सूट बूट हम पहना देते हैं, पर प्रॉफिट हमेशा थेफ्ट ही होता है, जो लोगों के हार्डवर्क का थेफ्ट होता है। तो प्रॉफिट के लिए ही इंडस्ट्री, प्रॉफिट के लिए ही कैपिटलिस्ट क्लास और प्रॉफिट के लिए ही आज की जो इकोनॉमी है वो काम करती है। तो आप लैंडलॉर्ड को एग्री कैसे करेंगे सर, आप ये बताइए? आपने ऐप बना दिया, मेरे पास आए, मैंने उसे हिट भी बना दिया, आगे लोग काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर दिया उसे और आप अब उस पर वर्किंग कर रहे हो, पर आपके ऊपर स्टूडेंट कम्युनिटी तो आ गई, पर आप रूम कहाँ से लेके आएंगे सर, ये देखिए इस बात को। कहने का मेरा जो पूरा मकसद है वो ये है कि एक सिस्टम को हमें तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक हमें उसके अल्टरनेटिव में दूसरा सिस्टम हमारे पास नहीं हो। हम एक चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं पर उसकी जो जगह वैक्यूम पैदा होगा हम उसमें क्या भरेंगे, बताइए? हमारे पास दूसरा कोई सिस्टम है क्या? एक और यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद करें कि इसको थोड़ा रेगुलराइज कर दीजिए, रेगुलराइज इन द सेंस कि ब्रोकर्स को ऐसे पाबंद कर दीजिए कि भाई जो तेरा चार्ज होगा वो होगा करीब 2,000-3,000, ऐसे ज़्यादा तो ले नहीं सकता। अगर ये गवर्नमेंट करे तो शायद हो सकता है पॉसिबल, और इसको करवाने का क्या तरीका है वो मुझे नहीं पता, मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, पर इतना मुझे ज़रूर पता है कि हमारी गवर्नमेंट फिनलैंड या डेनमार्क की गवर्नमेंट नहीं है जो हमारी हैप्पीनेस के लिए काम करेगी। हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कोई टॉप 10 में नहीं आता, जो हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारे लिए। आप कहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे बताइए? कैसे प्रोटेस्ट करेंगे और किसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे बताइए? कौन आपकी बात सुनने की कोशिश करेगा? तो आप मुझसे यहाँ पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। देखो आज की इस स्टेज पर सर मुझे सॉल्यूशन एक ही लग रहा है, मेरी नज़र में सॉल्यूशन एक ही है कि दिल्ली आना ही बंद कर दीजिए। जब तक हम दिल्ली आते रहेंगे इस तरह से रेटें इसी तरह की रहेगी। आज एक मकान मालिक कॉन्फिडेंट है कि उसका रूम एक हफ्ते से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। एक हफ्ता तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ सर, वाजीराम के आसपास तो एक आज रूम खाली हुआ था, 2 दिन के अंदर वो रूम भरना ही भरना है। तब उसे पता है कि वो रूम की रेट 20,000 भी कर देगा, उसका बकवास सा घटिया सा रूम है उसकी रेट 20,000 भी देगा करेगा ना, तो भी लोग रेंट देंगे और आएंगे रहेंगे क्योंकि इतनी सारी भीड़ है सर। अब सोचिए इस बात को कि दिल्ली में जब लोग कम आएंगे तो उसकी रेटें अपने आप ही कम हो जाएगी सर, या तो उसका रूम जीरो जा रहा है क्योंकि जब खाली पड़ा उसका क्या रेंट आ रहा है, या फिर उसे रेट है वो कम करनी पड़ेगी। और ये कब होगा? जब हम दिल्ली नहीं जाएंगे, और मेरे और आपके जाने से एक से तो होगा नहीं, बट हाँ एक एक करके अगर हम ज़्यादा होंगे, हम दिल्ली की तरफ से रुख नहीं करेंगे तो रेटें 100% है कि कम होगी होगी। बहुत से लोगों तो आपत्ति होती है कि ये जो 3-3 साल 4-4 साल लोग तैयारियाँ कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वो क्यों कर रहे हैं, रेटें बढ़ा रहे हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं वहाँ पर, मुझे वीडियो देखेंगे तो गालियाँ बोलेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट मैं भी इस बात में मानता हूँ, बिलीव करता हूँ। ओजा सर ने भी यही कहा था कि यहाँ आइए, एक साल तैयारी करिए, निकलिए, अपने होम स्टेट जाइए, आराम से तैयारी करिए, कोई
जरूरत नहीं है दिल्ली में रहने की। जो लोग 6 साल दिल्ली में रह रहे हैं ना बिना किसी वजह से, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह की समझदारी वो लोग कर रहे हैं, बकवास ही है। वो लोगी अगर कम से कम अगर आ जाए ना दिल्ली से सर, तो दिल्ली में रेटें अपने आप डाउन हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, जब तक उसका कमरा खाली नहीं जाएगा फिर वो कम रेटें क्यों करेगा? उसकी चीज़ तो बिक ही रही ना सर, जब तक उसकी चीज़ बिकेगी वो बेचेगा इस रेट में, और इससे ज़्यादा रेटें होगी। अगर ये ट्रेंड रहा ना दिल्ली में आने का, तो उससे ज़्यादा रेटें होने वाली है। आज जो कमरा 15,000 मिल रहा है, आज से 3 साल 4 साल बाद वो कमरा 25,000 में चला जाएगा। और इसी तरह का सिस्टम अगर 10 साल तक और चलता रहा, तो मुझे लगता नहीं 10 साल तो चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मुझे ज़्यादा फ्यूचर लग नहीं रहा है अब, तो वो कमरा सेम 40,000 का भी हो सकता है। जो बहुत रिच है उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी भी रेट को अफोर्ड कर देंगे, बट मिडिल जो इकोनॉमी से आते हैं पर्सन, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। तो मुझे अभी का रास्ता ये लग रहा है सर कि दिल्ली कम से कम आया जाए, और इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि आप अपने नियर एंड डियर वन जो भी दिल्ली जाना चाहता है उससे बताइए कि दिल्ली में ऐसा अभी कुछ खास नहीं बचा है। यूपीसी का माहौल चाहिए आपको, माहौल के लिए अपने स्टेट की कैपिटल भी जा सकते हैं आप। दिल्ली में वैसे भी रेटें बहुत ज़्यादा हैं और लोग वहाँ हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, कुछ दूसरा हो नहीं सकता। और जो सेकंड पॉइंट में मैंने सजेशन दिया था, कोई ऐसा आप अगर ऐप बनाएं डिज़ाइन करें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के सेक्शन में नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया है, मुझे आप मेल करिएगा उस ऐप के बारे में कि मैं ये निश्चित जो है मैं ये बना रहा हूँ। मैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्रमोशन करूँगा, जितने लोगों तक पहुँचा सकता हूँ मैं उसे पहुँचाऊँगा। बाकी मुझे जो लग रहा है फिलहाल का सिस्टम कि अगर इस रेंट और इस ब्रोकरेज सिस्टम, इन सब एक्सप्लोइटेड जो दिल्ली में एक पूरा चेन और ये नेक्सस बना हुआ है, इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि हम दिल्ली का रुख कम करें, हम दिल्ली में न जाएँ, कम से कम जाएँ और ना काम खत्म होती वहाँ से निकल जाएँ। दिल्ली वाले जो जेन्युइन लोग हैं वो वैसे भी परेशान हैं और हम खुद भी परेशान हैं, वहाँ जाके वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो मेरी नज़र में सॉल्यूशन ये है सर, आपके पास कोई दूसरा इनोवेटिव सॉल्यूशन है कि इस सिस्टम का कोई तोड़ है, तो इस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सुझाव देके बताइए। मैं अगर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कुछ प्रमोट कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल 100% करूँगा सर।